देखिए अभी तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि अभी काफ़ी दिन है उस मैच में, और अभी हमारा इस मैच पे फोकस है कि कल हमारा जिसके साथ भी मैच आता है तो सबसे पहले तो इस पे फोकस है कि हम यहाँ पे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल के यहाँ से इंशाल्लाह जीत के जाएं, और फिर इंशाल्लाह जब इंडिया के ख़िलाफ़ मैच होगा तो वो फिर देखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान अहमद, अगर हम एशिया कप की तारीख पर नज़र डालते हैं 1984 से लेकर पिछले साल तक, तो 15 एशिया कप हुए और पाकिस्तान की कारकर्दगी तो अच्छी नहीं रही। दो बार जीते हैं, 3 दफ़ा रन अप रहे हैं। इस दफ़ा बाबर आजम की क्यादत में टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, दबाव भी ज़्यादा है, तोकवात भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीती है। इसके हवाले से फरमाएँ, माजी की कारकर्दगी को देखते हैं। देखिए माजी पे तो हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यही बिलीव करता हूँ कि अभी जिस तरह की टीम है, जिस तरह की कम्बिनेशन बनी हुई है, और जैसे आपने बात की कि सारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह एशिया कप भी जीते और वर्ल्ड कप में भी अच्छा क्रिकेट खेल के हम अपनी यू नो फुल कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आप पुरानी चीज़ें अगर हम सोचेंगे कि हमने तब अच्छी परफॉर्मेंस की थी या नहीं की थी, तो वो चीज़ आपको मेंटली ये लेके जाते, क्योंकि टाइम चेंज होता है। और यू नो आपने देखा होगा कि जिस तरह आप लड़के खेलते तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं सब, तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह हम अच्छा क्रिकेट खेल के जीतवाएं। अच्छा, नसीम रोहित ने तारीफ की थी पाकिस्तान के प्लेयर्स की, क्योंकि मेरे पास नसीम, शाहीन और आरिस नहीं है, अगर वो तो अच्छे से परफॉर्म करते तो एक तो ये आपके लिए कितना बड़ा बूस्टिंग है कि रोहित पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ कर रहा है, और दूसरे की आज़ादी की क्रिकेट और श्रीलंका की कंडीशन में बड़ा फर्क है। आज़ादी में देखा कि 300+ की है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम है, किस तरह देख रहे हैं कि आप सुपर फोर का पहला मैच होने जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश होगी या पाकिस्तान की टीम। सर का सवाल भूल गया, देखे अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक है? अच्छा देखिए, बिल्कुल आपने कंडीशन की बात की तो डिफरेंट है, श्रीलंका की कंडीशन थोड़ी सी यहाँ से डिफरेंट है, तो हमारी यही कोशिश है, वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट सीरीज से लेके LPL सारा वहाँ पे हम खेले हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है वहाँ पे कि वहाँ पे कंडीशन कैसी हैं, और पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हर जगह पर आपको वनडे क्रिकेट में यू नो डिसिप्लिन खेलना पड़ता है, एज अ बॉलिंग यूनिट आपको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ती है, वो कोई भी विकेट हो, और आई थिंक अब काफ़ी आइडिया हो गया दोनों का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों जगह पे अच्छा एडजस्ट करेंगे। आगे चलते हैं, एक सवाल ले रहे हैं, ये बताएं कि आप मुसलसल ट्रैवल, पाकिस्तान की टीम जितना ट्रैवल कर रही है, कोई टीम भी ट्रैवल नहीं कर रही, मुसलसल एक दफ़ा पाकिस्तान आए, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद हम दोबारा वापस जाने, फिजिकल स्ट्रेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी वहाँ पर मौसम की तब्दीली भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, वो आने वाले टाइम में ये ना हो जब टीम ख़त्म होने वाला हो तब हमारे प्लेयर्स फिजिकल स्ट्रेस की वजह से परफॉर्म ना कर पाए। देखिए टू बी ऑनेस्ट, ओके टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा कि आसान नहीं है, स्पेशली मैं एज अ फास्ट बॉलर कहूँगा फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन एज अ प्रोफेशनल अब जिस तरह का शेड्यूल बना है तो हमें वो लाइक एक्सेप्ट करना है, और यू नो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को रिकवर कर सके, अपने आप का यू नो केयर करें, तो सारे फास्ट बॉलर इसी तरह ये सारी टीम जो है मतलब यही कर रही है कि ऑब्वियसली सबको पता है कि ट्रेवलिंग काफ़ी है वहाँ पे, मौसम भी गर्मी है, यहाँ पे भी गर्मी है, तो कोशिश सारे करते हैं कि यू नो अच्छा रिकवर करें और रेडी रहें, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। राइट जी, नसीम आपकी क्या ख्वाहिश है कि किसके साथ ट्रेनिंग आना चाहिए, और आप क्या सोच रहे हो? एक तो ये बात है, दूसरी ये कि इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनस और अभी शहनशाह अफरीदी, आप किस तरह के बॉलर बनना चाह रहे हो, जिनमें ख्वाहिश होती है कि मैं कैसा बनूं? सबसे पहले तो अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं नसीम शाह की तरह बॉलर बनूं अपनी तरह ही, और दूसरी बात यह है कि यू नो बड़े बॉलर थे सब, लेकिन जैसे आपने बात की, हर बॉलर की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी सोच होती है, और कोई इंसान दूसरा इंसान बन नहीं सकता, आप उसके तरह बन नहीं सकते, लेकिन जिस तरह जो जो चीज़ें उन्होंने अच्छी की है तो उसको हम ज़रूर अच्छी चीज़ें पिक कर सकते हैं। और दूसरी अपनी बात की फ़ाइनल, हाँ ख्वाहिश तो ये है कि हम फ़ाइनल जीते, बस जिसके साथ भी फ़ाइनल आए डजेंट मैटर, बट हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह जीतें। मौसम, लास्ट क्वेश्चन, आप इसमें बॉलिंग, एशिया का इंडिया का बॉलिंग टीम, शाहीन शाह ऊपर से विकेट ले रहे थे, दूसरी तरफ ने प्रेशर बनाया हुआ था, आप उनको बिल्कुल भी आप आपके स्कोर नहीं आ रहा था, विकेट्स आपको ऊपर से नहीं आई, लेकिन आपने प्रेशर बनाया रखा, तो कितनी सपोर्ट मिलती है जब शाहीन शाह और हारिस लोग दोनों साथ होते हैं, वो भी आपको समझाते हैं, तो कितना एक माहौल है टीम का, फास्ट बॉलिंग, आप तीनों ने आपका एक बॉलिंग अटैक है, पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है, तो कैसे महसूस करते हैं जब ऐसा होता है? देखिए मेरा ये बिलीव है कि जब आप यू नो जहाँ पे मैं टीम के काम आता हूँ मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ, जैसे आपने शहीन की बात की तो अर्ली ऑन वो चांस लेते विकेट के लिए,
और मेरी जो कोशिश होती है कि मैं विकेट के चांस भी लेता हूँ, लेकिन उनके साथ जो कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरे एंड से रन भी ना दूँ, और हमेशा ये कोशिश रही है। और आई थिंक जब भी ये करता हूँ तो अल्लाह ताला इसमें यू नो इज़्ज़त देते, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैं टीम के काम आ सकता हूँ तो कहीं भी हो मैं अपनी 100% कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, ट्रेनिंग है बस, आ जाए नसीम। थैंक यू।